थोड़ा ऊपर ऊपर सबसे पहले खबर हमने रोक लो यार, तुम एक मिनट बात बात कर लो, एक मिनट रुक जाना भाई। चंद्रशेखर आप यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ जिस समाज ने सड़कों पे उतर के इस केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को ये बताने का काम किया है कि समय बदल गया है, अब अगर हमारे अधिकारों पे कहीं से भी हमला होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, उसी सरकार को ये बताने कि जब समाज सड़कों पे रहेगा तो उनके नेता भी बंगलों में महलों में नहीं बैठेंगे, वो भी सड़कों पर रहकर समाज का संरक्षण करेंगे। जिस तरह से पूरे देश में भीमार में आजाद समाज पार्टी के लोग जिला मुख्यालयों पर सड़कों पर उतर के संवैधानिक तरीके से अपना ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, बंद को सफल बना रहे हैं, ऐसे ही कार्यकर्ता के तौर पर हम दिल्ली में अपनी ड्यूटी को अदा कर रहे हैं। हम दिल्ली के जंतर मंतर पे पिछले कई घंटों से अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं, सारी चीजों पर नजर भी रख रहे हैं कि हम इस आंदोलन से पीछे हटने वाले अब नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं आप विरोधी भी हैं बंद के। मैं सरकार का विरोधी तो हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले पार्लियामेंट में मैंने इसका ललकार कर विरोध किया और सरकार को चैलेंज किया कि सरकार अब आंखें खोल ले, अब वो दिन नहीं रहे 2 अप्रैल 2018 दोहराने का मौका ना दे। और फिर सरकार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हम इसको नहीं कर रहे हैं उसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करेगी हम सरकार की नीयत पे शक करते हैं, हम सरकार का भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा है आरक्षण पे सिर्फ ये हमला नहीं, निजीकरण के द्वारा, लेटर एंट्री के द्वारा, जैसा अभी आपने 45 का कर दिया था वो तो हमने जबरदस्त आवाज उठाई तो आपको वापस लेना पड़ा, फिर ठेकेदारी के जरिए, सुविधा के जरिए, आउटसोर्सिंग के जरिए, जिस तरह से आपने सरकारी नौकरियों को खत्म करके आरक्षण की धज्जा उड़ाने का काम किया ये किसी छिपावा नहीं है, और जिस तरह से आपकी सरकारें निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, कॉरपोरेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, नौकरियों खत्म करिए, उन्नत्यार शिक्षक भर्ती में जिस तरह आपने घोटाले किए, और फिर तमाम तरह से आपकी लंबे समय से नीति आपकी आइडियोलॉजी हमने देखी, हम इस सरकार के ऊपर इनकी नीतियों भरोसा नहीं करते, इसलिए हमें इस सरकार की नीयत पे खोट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी तो अंत संविधान बुरा साबित होगा, इसलिए आज हम ये नीला झंडा लेके आते हैं कीमत पे सरकार के हथकंडों को, सरकार की बुरी मंशा को, सरकार के षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने देंगे। एक और बात, अगर सरकार कहती है कि बंटवारे की बात वो कुछ देने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी के मिशन का सिपाही, मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं ये हमारे भाइयों की बात है, हम अपने भाइयों से इस आंदोलन के बाद टेबल टॉक करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, अपनी बात भी रखेंगे और मिलकर अपनी समस्या का हल निकालेंगे, हम बंदर बाट नहीं होने देंगे, हम सरकार को अपने अधिकारों पे राजनीतिक रूप से फायदा लेने के लिए अपने लोगों को लड़ने नहीं देंगे, हम अपने भाईचारा बना के रखेंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, हम तो मैंने 1.5 साल पहले ये मांग उठाई थी कि जो जिन जातियों को अवसर नहीं मिले, जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण आप सामान्य जाति के बच्चों को दे सकते हैं, सामान्य जातियों को दे सकते हैं, तो 10% आरक्षण आप अति पिछड़ी और अति दलित जातियों को क्यों नहीं दे सकते? सरकार ने की मंशा ही कभी यह नहीं थी, सरकार की मंशा तो जातिगत आरक्षण को खत्म करने की है, सरकार की मंशा तो जातिगत आरक्षण को खत्म करके, हमारी संवैधानिक ताकत खत्म करके, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके अपने लोगों को फायदा देने की है, सरकार की मंशा तो लेटर एंट्री करके हमारे लोगों को सिस्टम से निकाल के, अपनी विचारधारा के लोगों को सिस्टम में बिठा के, और पॉलिसी मेकिंग में जब उनके लोग बैठे होंगे तो हमारे लिए पॉलिसियां नहीं बनेंगी, इसलिए हमें सरकार की नीयत पे खोट है, हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, अगर हमारे भाइयों को हिस्सा देने की बात आएगी तो हम अपना हिस्सा भी उनको दे देंगे, लेकिन सरकार की नीयत के खोट को और सरकार की प्रणालियों को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। और अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आज तो संपूर्ण भारत में भारत बंद जारी है, लेकिन 11 सितंबर को जो हमने दूसरा चरण इसका बुलाया दिल्ली में, उस दिन हम सरकार को घुटने टिकवा देंगे, अगर आज सरकार ने घुटने टेके, उसके बाद जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, आप मेरी बात को याद रखना, हम सरकार को घुटने टिकवाने के लिए एक इतनी बड़ा जन समर्थन यहाँ दिल्ली में जुटाएंगे कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी, नींद खुल जाएगी, और हम अपने आरक्षण पे, अब अपने अधिकारों पर किसी भी तरह की जो है हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी भाईचारे को बना के रखेंगे, अपनी एकता को बना के रखेंगे और दुश्मन की चालों को भी कामयाब नहीं होने देंगे। मैंने सरकारों को ये भी कहा है
जिस तरह लाठिया बिहार में हमारे लोगों पे मार रहे हो, हमारे लोगों को पीटने के चक्कर में एसडीएम को ही पुलिस ने पीट दिया, ये जो लाठी मारने की पड़ता है इसका हेवी सूट समेत हम लोग जवाब देंगे आने वाले कल में। और आपकी लाठियों का जवाब जो है हम लोग अपने तरीके से संवैधानिक तरीके से देंगे। और मैं चैलेंज करके कहता हूँ, आज इस आंदोलन में जिस सरकार के नेतृत्व में हमारे लोगों की पीठ पर लाठियां पड़ेगी, उस सरकार की कुर्सी को पलटने का काम, तख्ता पलट करने का काम भी हम आने वाले कल में करेंगे। इस बात का भी मैं सरकार को चैलेंज देता हूँ, मेरी बात को याद रखना। चंद्रशेखर जी, जो 2000 इलेक्शन में अभी पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए उसमें जो लोग संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे थे, आरक्षण और संविधान को बोल रहे थे कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और आज वो कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं आज अपने समाज के संरक्षण के लिए, समाज के आवाज को मजबूत करने के लिए सड़क पर उतरा हूँ। आज मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, हमारे समाज की आंखें वो सबको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। समाज की आंखें नहीं, ऐसा नहीं समाज की आंखें नहीं, समाज देख रहा है। और अब समाज आने वाले कल में जो फैसला लेगा उनसे सभी दलों को एहसास होगा कि किस तरह से चुप्पी रखी जाती है और किस तरह से बंद मुंह करके सरकार को समर्थन दिया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी प्रमुख और अपने साथियों की, अपने उनकी ताकत को, उनकी हिम्मत को, उनके